एशिया न्यूज इंडिया में मैं हूँ आपके साथ वंदना। झारखंड सरकार आए दिन सरकारी स्कूलों को लेकर कई नियमों को परिवर्तन कर रही है। कुछ दिन पहले की बात करें तो सरकारी स्कूल के बिल्डिंग के रंग को लेकर परिवर्तन किया गया और अब एक नई सूचना जारी की गई है जिसमें सरकारी स्कूल के परीक्षा पद्धति को परिवर्तन किया जा रहा है। आइए देखते आगे क्या पूछे। झारखंड सरकारी स्कूलों में मैट्रिक इंटर की तर्ज पर होगी 3 से 7वीं की परीक्षा। पहली पाली में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे जबकि दूसरी पाली में सब्जेक्टिव सवालों का हल करना होगा। दोनों पालियों की परीक्षा में 15 मिनट का गैप दिया जाएगा। इसके लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही है। 4 जून को गर्मी छुट्टी खत्म होने के बाद वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसमें सफल होने वाले छात्र छात्राओं की अगली क्लास में प्रमोट हो सकेंगे। 3री से 7वीं की वार्षिक परीक्षा में 40-40 अंक के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल रहेंगे। इसका जवाब देने के लिए बच्चों को 1.5-1.5 घंटे का समय मिलेगा। 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित किए जाएंगे।